फिनिशिंग मूव आंखों की पुतलियों को ऐसे करके दिमाग में लेके जाता है। मैंने तो डिसाइड कर ले तू रेसलर है या बंगाली तांत्रिक है। हाय मेरा ना एक छोटा कजिन भाई था, मतलब जिंदा है, उसको बचपन में नशे की आदत पड़ गई थी। वो नशा नहीं जैसे कोई मर जाता है, वैसा नशा हुआ था उसको जिसमें दिमाग का भंग हो जाता है। उसको एकता कपूर का नशा हो गया था। वो दिन रात सीरियस काउंट कर जा रहा है, सांस भी कभी बहुत ही हद तो तब हो गई जब अपने बाप को ही बोला, हे मिस्टर बजाज, माँ को प्रेरणा बोल रहा है। घर वाले परेशान हो गए यार, तब तो जमाना कितना मिसोजिनिस्ट था ना, सेक्सिस्ट जमाना था काफी। घर वालों को लगा क्या करेगा, जनानी बनता जा रहा सीरियल देख देख के, क्या बनेगा बड़ा होके, द बहू। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं था फुल मर्द, फुल मर्द एकदम, देख रहा 5 फुट 4 इंच का गबरू। मैं सिर्फ क्रिकेट देखता था, खेलता नहीं था, क्योंकि आई एम सो टॉल, मेरी छाती पे भी बॉल लगती थी, अंपायर LBW दे देता था। और क्रिकेट से ज्यादा मैं देखता था, तुम सबने भी देखा होगा, WWE कुश्ती, WWE सबने देखा है, देखा सबने देखा है राइट। 10 साल 10 साल रिलीजियसली WWE देखा, जब वो WWF था, तब से 10 साल के बाद पता चला एक्चुअली में ये सीरियल है, स्पोर्ट्स के नाम पे फुद्दू बना जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो मेरा भाई हंसा, तो भैया इधर ये देख, सास भी कभी बहुत ही, ये बोल के सीरियल दिखाते हैं। वो आदमी देख रहा है, वो जो मोमो खा के चटनी गिरा रहा है मुंह पे, हाँ वो मिहिर वीरानी है, चौथी बार मर के वापस आया। तो WWE में भी एक मिहिर वीरानी था, अगर तुम लोग को याद हो तो, है ना, द अंडरटेकर, द फीनोम अंडरटेकर, 7 बार भाई साहब रिटायर भी हो चुके, बार बार मर के तो वापस आ ही जाते थे, 7 बार रिटायर हुए, US का शाहिद अफरीदी। अंडरटेकर के रिटायरमेंट का मैच देखा था, रेसलमेनिया में बीच रिंग में आके रिटायर हुआ, 2014 के रेसलमेनिया में बीच रिंग में आए, वही ड्रामे कर रहा है आके, अपना वही चड्डी उतार रहा है, दस्ताने उतार रहा है, टोपी उतार रहा है, अपनी माँ का घाघरा जो पहन के आता था सब नीचे रखा। 27 साल नौकरी किया भाई, मेरा हिसाब कर दो, मेरा प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी रिलीज कर दो, मुझे मैक्लोडगंज घूमने जाना है, मोमो अच्छे मिलते हैं वहां पे। आई हेटेड अंडरटेकर, पता क्यों, दुनिया भर का टाइम नहीं लगा था रिंग में आने के लिए, हैं? इतनी लंबी एंट्री होती थी, इतना लंबा टाइम लगा एक मैच में आने के लिए, उसकी पिछली अमावस को निकला था ग्रीन रूम से। मैंने बोला किस बात का घमंड है तेरे में अंडरटेकर, इतना टाइम लगा रहा है, किस बात का घमंड है, तू कौन है, 22 साल पहले तू रेखा का बॉडीगार्ड था, खिलाड़ी का खिलाड़ी, 200 रुपए दिहाड़ी पे, अक्षय कुमार ने 6 kg छाती पे बाल लेके तेरे को पीटा है, और उसके अंडरटेकर के घुसते ही लाइट चली जाएगी, लाइट चली जाएगी। मैंने बोला भाई ये कौन सा मेन इवेंट है जिसमें स्टार के आते लाइट चले, मैच कहाँ हो रहा है, टेक्सस में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, ग्रिड फेलियर हो रहा है, और उसके घुसते ही धुआं प्रदूषण अलग, बिजली कड़क रही है, और कोई घंटी बजा रहा है टन टन, बोला अरे हमारे ब्राह्मण वहां भी पहुंच गए, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, मैंने अब तो देखूंगा। और लेकिन भाई साहब 25-30 साल का उसका करियर था, उसकी चाल नहीं सुधरी, वो घंटी बजा रहे पीछे से कोई टन, और भाई साहब चल रहा था टन, इतना घटिया चाल, तो ऐसी वो बच्चे 2 साल के बच्चों को देखो हगीज पहना के चला देते हैं, पहली बार पैंट में हगके जब चलने लगते हैं, 10 मिनट में सिर्फ 10 कदम चला। एवोल्यूशन इज फास्टर देन अंडरटेकर। मैंने बोला क्या बकवास है यार, ये 2020 का जमाना है, मैं ये क्या बकवास देख रहा हूँ,
मैंने बोला हटा, मैं लगा देता हूँ स्टार क्रिकेट, चाहिए ना एड्रेनालिन रश चाहिए, मैंने लगा दिया स्टार क्रिकेट। वहां चेतेश्वर पुजारा टेस्ट मैच खेल रहा था तो 40 मिडन ओवर देखने के बाद तब मैंने दोबारा टेन स्पोर्ट्स लगाया, भाई साहब ने टोपी उतारी शुरू की, रिंग में जगह खेलने कर बाहें फैला रहा शाहरुख खान टाइप, फिनिशिंग मूव आंखों की पुतलियों को ऐसे करके दिमाग में लेके जा रहा। मैंने बोला तो डिसाइड कर ले तू रेसलर है या बंगाली तांत्रिक है। और ये दूसरा, ये ट्रिपल एच, इसके घर में शौचालय क्यों नहीं है? रिंग में एक बोतल लेके आता था ऐसे, याद है तुम्हें, और चारों तरफ घूम के कुल लगाता था। एक रेसल मैंने वो फील ही में आ गया, दातून मांग लिया रेफरी से। और ना जब खिलाड़ी को खिलाड़ी आई थी, याद है वो मूवी, है ना, क्या लेजेंड मूवी थी वो, मजा आ गया था भैया मेरे को। मुझे एक तो लगा कि यार ये है ना WWE कुश्ती मूवी होगी, मेरा पूरा खानदान आया देखने के लिए, मुझे लगा यार सपोर्ट करने हैं, मेरे पापा ताऊ सब रेखा के चक्कर में आए थे। नेखा स्क्रीन पे आती बोलती, इवन नॉटी गर्ल्स नीड लव।